हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और लेकर आया हूं आपके लिए गाड़ी चलाना कैसे सीखें इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो। मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, जैसे कि मैं अपने गाड़ियों के ऊपर ब्लॉग्स बनाता हूं, तो सब्सक्राइबर पूछते हैं भैया कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिससे कि मैं गाड़ी चलानी इजिली सीख सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है पहले से, आप ड्राइवर हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जो ऊपर आ रही है लिंक में, ये देख सकते हैं। इससे आप अपनी ड्राइविंग को और सुधार सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ इजी ट्रिक्स जो आपको गाड़ी चलाना सीखने के लिए काफी जरूरी है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता दूं, छोटी ये जान लेना है कि दोस्तों गियर डलता कैसे है। तो सबसे पहले जो बीच वाली लाइन है, आप देख पा रहे होंगे, अगर ये बीच में यहाँ पे आपकी कहीं पोजीशन होती है गाड़ी की, अगर न्यूट्रल चेक करना है तो आप पहले ऐसे, अगर ये गियर आराम से इधर उधर हो रहा है तो आप समझ जाइए गाड़ी न्यूट्रल में है। फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको सबसे लेफ्ट में इसको प्रेस करना है और ऊपर अगर यहाँ पे डाल देंगे तो ये आपका फर्स्ट गियर लग गया दोस्तों। इसी के सामने आप थोड़ा लीवर को ऐसे ही दबा के रखना, और अगर बिल्कुल सामने यूं नीचे लेके आएंगे तो ये सेकंड गियर डल जाएगा आपका। फिर आपको तीसरे गियर में डालना है तो आप इसे हल्के से ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे बीच में आके आपको महसूस देगा कि हाँ हल्का सा बीच में आ गया, यहाँ बीच में लाइए और ऊपर कर दीजिए इसे ऐसे। तो ये थर्ड गियर हो गया, नीचे करेंगे इसके सामने ही तो बिल्कुल फोर्थ गियर हो गया, आगे लाके फिर बिल्कुल राइट में दबा के यहाँ करेंगे तो ये लगेगा आपका फिफ्थ गियर। और ऐसे ही अगर इसके सामने अगर आप लाके रिवर्स करनी है तो ऐसे लगेगा रिवर्स गियर। सबसे पहले करनी है दोस्तों आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस, गियर डालने आराम से खड़ी गाड़ी में क्लच प्रेस करके आपको सीख लेने हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये जो है ये एक्सेलेटर होता है, ये ब्रेक होता है और ये होता है क्लच। आपको करना क्या है, जो आपका ये लेफ्ट फुट है, जो उल्टे वाला पैर है लेफ्ट साइड वाला, इसको क्लच के लिए ही यूज़ करना है, और ये जो राइट पैर है इसको ऐसी पोजिशन में रखना है के ब्रेक्स और एक्सीलेटर के दोनों के बीच में आप एक साथ यूज कर सकें। इसको सीखना दोस्तों, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो हेडलाइट की जो पार्किंग लाइट है जो वो जल गई होंगी, और अगर आप इसे एक बार और प्रेस करेंगे तो अब हमारी मेन लाइट जो है, मेन हेडलाइट जो है वो जल गई होंगी। और दोस्तों इंडिकेटर देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो हमारा लेफ्ट वाला इंडिकेटर चलने लगेगा, ऐसे नीचे प्रेस करेंगे तो राइट वाला इंडिकेटर जलने लगेगा। ऐसी ही एक नोब होती है इस साइड में दोस्तों, इसका काम होता है बारिश में वाइपर वगैरह अगर चलाने हैं तो इससे चलते हैं। आप देखेंगे कि मैं अगर इसको नीचे पुश करूंगा, ये देखिए इसको ऐसे पुश करता हूं तो वाइपर मेरा चलने लगा। और अगर मुझे अगला जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, सबसे पहले उतारनी है अपने शीशे और चेक करना है बाहर का अपना जो साइड मिरर्स हैं जिन्हें हम ORVMs बोलते हैं, उनको पीछे एडजस्ट कर लेना है। इतना करना कि आपकी गाड़ी का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो यहाँ पे कहीं दिख रहा हो, बाकी पीछे, और अपनी सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर लेना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। आपको आगे दिखाना है कि गाड़ी स्टार्ट करनी कैसे है, तो ये होगी की, की को हम लगाते हैं इस की होल के अंदर, और पहली बार जब हम इसे हल्का सा एक जगह करते हैं तो यहाँ से हमारी गाड़ी समझ जाती है कि यहाँ गाड़ी के अंदर जो है चाबी लग चुकी है। और अब हमको एक बार क्लच दबाना है और ध्यान रखना है कि गाड़ी हमारी हो न्यूट्रल में। आपने चेक किया कि गाड़ी न्यूट्रल में है, ब्रेक हैंड ब्रेक हमारे खींचे हुए हैं, ब्रेक्स पे पैर रखें, फिर हल्के से एक बार जब आप इस गाड़ी को आगे करेंगे तो गाड़ी का ये देखिए इग्निशन ऑन हो गया। सॉरी, अगर आप एक बार इस गाड़ी चाबी को आगे करेंगे तो ये आपको लाइटें यहाँ पे दिख रही होंगी, ये ऑन हो गया। अब आप इस क्या करते हैं, इस गाड़ी की चाबी को आगे घुमा के छोड़ देते हैं तो गाड़ी की चाबी वापस आ जाती है, लाइटें सारी बंद हो गई हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। हल्का सा एक बार आपको देना है एक्सीलेटर, ये देखिए मैंने दिया। पैरों की पोजिशन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसे ही रखनी है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी को कर लेना है अपना यहाँ से लॉक, यहाँ से लॉक हो जाती है, कुछ गाड़ियों में अपने आप भी लॉक हो जाता है। आप पैरों की पोजीशन मेरी देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक्सीलेटर देना है इसी से, ऐसे ही ब्रेक और एक्सीलेटर का काम करना है, और क्लच पे से अपना पैर हटा के रखना है यहाँ से, दिखा पा रहा हूँगा यहाँ देखिए थोड़ा। तो अब हमें करना क्या है, क्लच दबाना है धीरे से, क्लच दबा रखा है मैंने, और यहाँ पे देखिए मैं गाड़ी को डालता हूँ फर्स्ट गियर में, और भी नीचे पैर दिखाऊंगा, ये ब्रेक मैंने यहाँ से दबा लिए, और पहले ये हैंड ब्रेक डाउन किए, और अब मुझे करना क्या है, धीरे धीरे मैं देखिए दोस्तों एक्सीलेटर दबाऊंगा और धीरे धीरे अपना क्लच पे से पैर हटा रहा हूँ, गाड़ी धीरे धीरे मूवमेंट करने लगी है,
आपको बस यहीं पे गाड़ी को लेके चलना है और मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखें हमारी गाड़ी चलने लगी है दोस्तों, ये देखें बस यही है। थोड़ा आपको ये प्रैक्टिस बार बार करनी है कि आपकी गाड़ी बंद ना हो पाए। फिर से रोक लीजिए गाड़ी आराम से, ब्रेक दबाइए। देखिए मैंने ब्रेक कैसे लगाए, ये देख पा रहे होंगे आप, क्लच दबा रखा है, गाड़ी अभी भी पहले गियर में पड़ी हुई है न्यूट्रल की, ब्रेक पे पैर है। फिर से हमें लगाना है फर्स्ट गियर, और करना क्या है दोस्तों वो मैं आपको पैरों से दिखाता हूँ। धीरे धीरे एक्सेलेटर दबाना है, धीरे धीरे पैर हटाना है क्लच पे से, और ऐसे ही करते करते आपकी गाड़ी जो है वो मोमेंट में आ जाएगी। ये देखिए आप, ये चलने लगी। और जब हमें रोकनी है तो हमें क्या करना है, आप देख, आपको ये भी एक दिखाता हूँ। तो आपको क्लच पूरा दबा लेना है और पैर हटा के ब्रेक पे लेना है, दबा देना है, गाड़ी रुक गई है दोस्तों, गियर को निकालना है बाहर। ये बिल्कुल सिंपल रूल है, इस तरीके से आप गाड़ी को 10-15 बार प्रैक्टिस कीजिए, और गाड़ी कोशिश कीजिए कि छोटी हो जिसमें से आपको पूरा व्यू आए बाहर का। एल्टो वैगन आर हो, लंबी अगर आप गाड़ी चलानी सीखेंगे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों आप जो बात आती है वो आती है कि हमें गाड़ी से डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, आने आगे जो गाड़ी खड़ी है उससे हम कैसे डिस्टेंस मेंटेन करें। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर चल रही है तो आपको ध्यान देना है इस वाले हिस्से पे, ये मैं अपनी आंखों के सामने रख के दिखाऊंगा, और जो आगे वाली गाड़ी के हैं जो पीछे वाले टायर हैं उन्हें देखना है। जब वो टायर आपको दिखने बंद, मैं इसको अपने आंखों के लेवल पे लेके जाता हूँ, जब वो आपको टायर दिखने बंद हो जाएं, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये यहाँ पे हमें ये टायर दिखने बंद हो गए तो हमें यहाँ पे ब्रेक लगा देनी है। अब इससे होगा क्या दोस्तों, मैं कैमरा आगे ले जाके दिखाता हूँ, आपकी सेफ डिस्टेंस पे कार रहेगी। ये देखिए अगर दिख पा रहा होगा तो ये लगभग अभी भी 3-4 फीट उस गाड़ी से दूर खड़ी हुई है। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रैफिक में, रस में चल गाड़ी चलाने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपके लिए इजी नहीं होगा इतना, लेकिन फिर भी आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं। मैं तो ट्रैफिक में चला रहा हूँ और काफी दिन से गाड़ी चलाता हूँ दोस्तों। आपको लगाना है सेकेंड गियर, गियर डालते वक्त कभी भी हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, ना ही एक्सेलेटर ज्यादा दे देना है। और आपको क्या लगेगा दोस्तों, कई बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है, मान लीजिए हमारी गाड़ी चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, यहाँ गुलशन दिखाना थोड़ा, जैसे यहाँ पे फिफ्थ गियर में हमारी गाड़ी चल रही है, तो आपको लगेगा कि जैसे गाड़ी चल रही है तो हम बैक गियर में तो नहीं लगा देंगे। तो दोस्तों आपकी गाड़ी कभी भी बैक गियर में नहीं जाएगी। आपकी गाड़ी अगर आप फिफ्थ गियर से ऐसे चला रहे हैं और चलती हुई गाड़ी में, मैं एक मोमेंट की बात बता रहा हूँ, ये बहुत एक्सपीरियंस की बात है, नोट करना, और आप जो ऐसे गियर डालोगे तो ये हमेशा चौथा ही गियर डलेगा, आपको कुछ पुश नहीं करना है दोस्तों, ऐसे करके इसे सिर्फ नीचे मिला देना है, आपका डाउन गियर जो होगा वो चौथा ही डलेगा, बैक गियर कभी नहीं डलता अगर आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूवमेंट में है दोस्तों। दोस्तों इन सारी बातों के साथ साथ आपको ये मिरर भी अपना एडजस्ट रखना है, इसमें आपको पीछे का पूरा व्यू आना चाहिए। ड्राइवर की कहते हैं कि 3 आंखें होती है, एक दो बाहर के मिरर्स और एक ये, और अपना बाहर वाला तो आपको सामने से देखना है। जब भी आप टर्न ले किसी साइड अगर राइट घूम रहे हैं तो इंडिकेटर राइट का देना है, और इस वाले बाहर वाले शीशे में आपको देख लेना है कि उस साइड से कोई आ तो नहीं रहा। अगर आपको लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर दें, और उस शीशे में पहले देख लें गाड़ी मंदी करके कि उस साइड से कोई आ तो नहीं रहा है। दोस्तों सबसे जरूरी बात है, अगर गाड़ी के एकदम से ब्रेक लगाने की आपको जरूरत है तो एक बार पीछे वाले शीशे में जरूर देखें कि पीछे से कोई आपको आगे ठोक ना दे, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स थी आसान सी जिससे आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, और बिना पानी में उतरे आपको तैराकी नहीं आ सकती जब तक आप गाड़ी में लेके बैठेंगे नहीं, बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं कि कैसे गियर लीवर में गियर चेंज होते हैं, और धीरे धीरे क्लच छोड़ के, ये बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ के, इतना इतना देखिए, गाड़ी बंद होती है तो होने दीजिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको गाड़ी चलानी खुद आ जाएगी। दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आगे भी आपके लिए कुछ ऐसी ऐसी ही ट्रिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहूंगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।